भाई मैं चिराग पासवान हूं, नीतीश कुमार नहीं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मंदिर लोकतंत्र का, वहां पर खड़े होकर उनके पैर जिस जगह पे थे वो लोकतंत्र का मंदिर है। जो व्यक्ति मंदिर में खड़े होकर झूठी शपथ खा सकते हैं तो भाई वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं नीतीश कुमार नहीं हूं, मैं चिराग पासवान हूं। अच्छा मुझे बताइए, जब नीतीश जी लालू जी से अलग हुए थे महागठबंधन से, तो उससे दो दिन पहले तक क्या बयान दे रहे थे राजगीर जाने से पहले? क्योंकि वो अक्सर ऐसे निर्णय लेने से पहले राजगीर जाते हैं। चले गए। बट बहरहाल उससे दो दिन पहले तक क्या बयान दे रहे थे, 2017 में जब वो अलग हुए थे तब तक वो बयान दे रहे थे कि भैया गठबंधन में सब ठीक है, अरे कुछ लोग खबरें चलाता है, हम उन सब पर ध्यान नहीं देते हैं, चलाता है। तो उसके बाद जब वो रातों रात, ईमानदारी की बात मानिए भैया, हम नेताओं को जो सक्रिय राजनीति में है उन तक को न्यूज के माध्यम से पता चला कि वो राजभवन अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, इतनी गोपनीयता बरती गई। तो अब जब वो वापस महागठबंधन में जाएंगे तो यकीन मानिए एक शाम को ऐसी ही तस्वीर राजभवन में उनका काफिला जाते हुए दिखेगी, और अगले दिन सुबह संभवतः अगर उन्होंने कोई और जोड़ तोड़ कर लिया हो, क्योंकि कुर्सी के बिना तो मुख्यमंत्री रह नहीं सकते, कर लिया हो तो फिर एक बार शपथ लेते हुए दिखेंगे। तभी 15 साल में 5 बार शपथ लिए वो ऐसे ही जोड़ तोड़ करते करते। चुनाव में अगर ऐसी परिस्थिति आई, जज्जे साहब कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव, अगर ऐसी परिस्थिति आई कि जदयू के साथ अगर सरकार बनाने की अगर नौबत आई तो क्या चिराग पासवान जाएंगे? आपको लगता है मैं जाऊंगा? भाई मैं चिराग पासवान हूँ, नीतीश कुमार नहीं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मंदिर लोकतंत्र का, वहां पर खड़े होकर उनके पैर जिस जगह पे थे वो लोकतंत्र का मंदिर है। जो व्यक्ति मंदिर में खड़े होकर झूठी शपथ खा सकते हैं तो भाई वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं नीतीश कुमार नहीं हूं, मैं चिराग पासवान हूं। डंके की चोट पर आप लोग भी कई बार मीडिया रिपोर्टिंग में मुझ पर तंज भी कसे जाते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है, कहा जाता है कि बेवकूफी भरा निर्णय मेरा, सत्य के साथ रहते मलाई खाते, मान जाते, समझौता कर लेते तो खुद आज मंत्री बने होते, दर दर भटक नहीं रहे होते। मेरी लड़ाई बिहार पर नाश करने की है, बिहार पर राज करने की नहीं। और जो लोग बिहार पर राज करने के लिए लड़ रहे हैं वो ऐसे अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं लाठी चलाने का। मैं बिहार पर नाश करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।